मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं बॉलीवुड बस। बॉलीवुड बस में हम बात करते हैं चटपटी गॉसिप्स के बारे में। बी टाउन की गलियारों में आखिरकार किन खबरों ने मचा कर रखा है हंगामा? कौन कर रहा है सीक्रेटली मैरिज? किसने किया खुलासा अपने रिलेशनशिप का? कहां हो रहे हैं ब्रेकअप? कहां हुआ पैचअप? कौन गया घूमने डेट पर? और कौन मना रहा है अपनी एनिवर्सरी? जी हाँ, वो सारी ही खबरें हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड बज में। तो आज हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं जो टॉप ऑफ द न्यूज है। वेल, वो टॉप ऑफ द न्यूज है सोनम की शादी का ऐलान। जी हाँ, कपूर खानदान ने कर दिया है सोनम की शादी का ऐलान। डेट आ गई है सामने। आपके मन में होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कि आखिरकार क्या क्या होने वाला है सोनम की शादी में। वो सारी ही खबरें आपको जानने के लिए देखना होगा हमारी इस रिपोर्ट को। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि बी टाउन की गलियारों में और क्या चटपटा चल रहा है। बॉलीवुड की दीवा सोनम कपूर इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी खबरों में बनी हुई हैं। लेकिन अब सोनम की शादी के बीच एक बुरी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, सोनम के घर में लंबे समय से संगीत की तैयारियां चल रही थी। फराह खान इस संगीत को कोरियोग्राफ कर रही थी, लेकिन अचानक फराह खान के साथ ऐसा हादसा हो गया कि संगीत की तैयारियां रोकनी पड़ी। दरअसल फराह खान के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। जानकारी के लिए बता दें, फराह खान स्टूडियो में शूट कर रही थी और इसी दौरान उनके पैर पर चोट आ गई। इसी के साथ आपको बता दें, सरोज खान ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सबके साथ शेयर की है। दरअसल फराह ने अपने पैर की फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसी के साथ आपको बता दें, वैनिटी वैन में स्लिप होने पर फराह को चोट आ गई और इस खबर को फराह खान की असिस्टेंट गीता कपूर ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि जी हाँ, फराह को सोमवार रात चोट लगी थी। मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं पता कि उनकी सिचुएशन कैसी है। बता दें, सोनम के संगीत की तैयारियों को लेकर फराह खान काफी चिंतित हैं। जो हो सकेगा फराह खान वो करेंगी। वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से सोनम के संगीत की तैयारियों पर कोई फर्क पड़े। मैं सोनम की संगीत की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म 102 नॉट आउट 4 मई को रिलीज होने वाली है। इससे पहले सेलिब्रिटीज के लिए स्क्रीनिंग रखी गई। पहली बार रेखा बिग बी की फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंची। वैसे तो रेखा बिग बी की किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग को अवॉइड करती हैं, लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। पिछले कुछ समय से रेखा बच्चन परिवार के साथ करीबियां बढ़ाती हुई नजर आई। ये चीज जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। रेखा जब भी ऐश्वर्या से मिलती है तो उन्हें प्यार से गले लगाती है और किस करती है। कुछ दिन पहले रेखा ने आश को ओपन लेटर भी लिखा था। रिपोर्ट की माने तो जया को रेखा का स्क्रीनिंग में पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बच्चन परिवार के करीबी ने बताया कि रेखा के पहुंचने से जया काफी अनकंफर्टेबल हो गई। रेखा को कहते सुना गया, आई लव द बच्चन सीन। ऐसे में जया को ये सब पसंद नहीं आया। वैसे भी जया अपनी फीलिंग्स छिपा नहीं पाती। पिछली शाम अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय 102 नॉट आउट की स्क्रीनिंग में भी पहुंचे थे। आखिरकार उस तारीख का ऐलान हो ही गया जिसका हजारों लोगों को इंतजार था। बॉलीवुड स्टार सोनम कपूर की शादी की तारीख का ऐलान हो चुका है। आनंद आहूजा के साथ 8 मई को सात फेरे लेंगे। शादी का वेन्यू मुंबई में तय किया गया है। खबरों के मुताबिक अनिल कपूर के परिवार ने इस शादी के तारीखों की पुष्टि कर दी है। इस शादी की तारीखों का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। बता दें कि ये शादी अनिल कपूर के परिवार की दूसरी पीढ़ी की पहली शादी है। सोनम की शादी की तैयारियों में उनकी कजन जानवी और खुशी लंबे वक्त से जुटी हुई थी। जानवी और खुशी बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटियां हैं। पहले इससे शादी का ड्रीम डेस्टिनेशन थीम था, जो कि राजस्थान के उदयपुर में तय किया गया था। लेकिन 24 फरवरी को दुबई में श्रीदेवी के निधन के बाद परिवार ने इसको चेंज कर दिया। अब ये शादी सोनम की मौसी कविता सिंह के घर पे होगा। बता दें कि कविता सिंह का घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। ये घर एक हेरिटेज हवेली के तौर पर भी जाना जाता है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के परिवार ने सोनम कपूर की शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। सोनम 8 मई को मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ शादी करेंगे। ये अनिल कपूर के परिवार की दूसरी पीढ़ी की पहली शादी होगी। सोनम की शादी की तैयारियां जिम्मेदारी उनके माता पिता और भाई बहन पर है। सोनम की शादी की तैयारियों के बीच श्रीदेवी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रीदेवी शिल्पा शेट्टी के साथ
पूनम के हिट नंबर प्रेम रतन धनपायो पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो अनिल कपूर के घर करवा चौथ की पार्टी का है। श्रीदेवी को बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन माना जाता है। इंटरनेट पर वायरल हो रहा है ये वीडियो 2015 का है। इसे श्रीदेवी के इंस्टाग्राम से भी शेयर किया गया था। बता दें कि कपूर और आहूजा परिवार ने शादी का अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि उनके लिए खुशी और गर्व का विषय है। शादी 8 मई को मुंबई में होगी। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे परिवार की निजता का सम्मान किया जाए। बॉलीवुड के फैशन दीवा सोनम कपूर इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें सोनम 8 मई को अपने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा से शादी करने वाली हैं और अब सोनम की शादी का कार्ड लीक हो चुका है। जी हां, आपको बता दें पहले खबर आई थी कि शादी के लिए कार्ड नहीं छपेंगे और इनविटेशन के लिए ई कार्ड बनवाए गए हैं और अब सोनम के ई कार्ड की तस्वीरें सामने आई हैं। खबरों की माने तो मेहंदी से लेकर शादी तक के लिए अलग अलग ई कार्ड बने गए हैं। कार्ड का थीम ग्रीन रखा गया है। मेहंदी के कार्ड में लिखा है कि 7 मई को 4 बजे ये फंक्शन शुरू होगा। जानकारी के लिए बता दें शादी दिन में 11 से 12:30 तक हो जाएगी और सोनम की मौसी की हवेली में ही होगी। शादी पंजाबी रीति रिवाज से होगी। वहीं शादी का ड्रेस कोड इंडियन ट्रेडिशनल रखा गया है और फिर शादी के बाद 8 मई को ही द लीला में रिसेप्शन रखा जाएगा। इस पार्टी के लिए इंडियन और वेस्टर्न ड्रेस कोड रखा गया है। वेल, सोनम की शादी का उनके फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। हर कोई सोनम को दुल्हन बनता देखना चाहता है। बॉलीवुड एक्टर सोनम 8 मई को 7 फेरे लेंगे। उनकी शादी की तमाम डिटेल सामने आ रही है। इनविटेशन कार्ड के अलावा ग्रैंड फंक्शन की लिस्ट का खुलासा हुआ है। लेकिन एक चीज जिसे अभी तक सब अनजान है कि ये सोनम कपूर हनीमून के लिए कहां जा रही, ये सवाल फैंस के जहन में है। 7-9 मई तक सोनम की शादी का फंक्शन होगा और 14-15 मई को उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम का हनीमून डेस्टिनेशन कांस या यूरोप हो सकता है। साल 2007 में 20 अप्रैल को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी। सोनम की तरह ऐश्वर्या ने शादी के बाद कांस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की थी। तब पत्नी के साथ अभिषेक बच्चन भी कांस की रेड कार्पेट पर चले थे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि फैंस सोनम को आनंद आहूजा के साथ रेड कार्पेट पर चलते हुए देख लें। वेल, बता दें कि अगर ये ऐसा होता है तो शादी के बाद सोनम इंटरनेशनल लेवल पर नजर आती हैं, तो उनके फैंस के लिए ये गिफ्ट से कम नहीं। बॉलीवुड के शूटिंग सेट पर काफी मस्ती मजाक होता है। इस दौरान पूरी प्रोडक्शन टीम एंजॉय भी करती रहती है, लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर स्टार्स को खड़ी खोटी सुनाने के साथ साथ गालियां भी बकने लगते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही फिल्म प्रोड्यूसर है जो कि शूटिंग सेट पर गालियां देता है। विद्यू विनोद चोपड़ा अपनी आने वाली फिल्म संजू के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान उन्होंने संजय दत्त के अलावा फिल्म में संजू का रोल करने वाले एक्टर रणवीर कपूर और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि वो संजय दत्त को शूटिंग सेट पर बहुत गालियां दे चुके हैं। इतना ही नहीं, विद्यू ने ये भी कहा कि संजय जैसा नेक इंसान उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि विद्यू विनोद चोपड़ा ने कई सारे किस्से शेयर किए जब संजय दत्त के साथ वो शूटिंग करते थे। उस दौरान उन्होंने संजय दत्त को कई सारी गालियां भी दी थी। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 की एक्स कंटेस्टेंट और शो की विजेता शिल्पा शिंदे ने विकास गुप्ता के साथ रिलेशनशिप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा ने फैंस के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए विकास के साथ रिश्ते की सच्चाई बताई। शो के दौरान एक टास्क में शिल्पा को सेव करने के लिए विकास ने अपनी फेवरेट टी-शर्ट्स को पेंट में डाल दिया था। उसके बाद ही फैंस ने ट्विटर पर शिकायत को भी ट्रेंड कर दिया। शो के दौरान विकास और शिल्पा के बीच होने वाली खट्टी मीठी तकरार दर्शकों को देखने को मिली। विकास गुप्ता जो कि शिल्पा संग रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे, शिल्पा ने अपने फैन क्लब के द्वारा शेयर किए गए ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, तुमने जो भी फोटो भेजी है मैं कह सकती हूँ तुमने अच्छा प्रयास किया है इस तस्वीर को बनाने के लिए, प्रकाश को दर्शाने के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है। हम ना दोस्त हैं ना ही दुश्मन। बिग बॉस सीजन 11 की जर्नी एक खूबसूरत जर्नी रही, हालांकि एक साथ भविष्य में काम करने के लिए मैं निश्चित नहीं हूँ। गोविंदा काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री में किसी बड़े धमाके के साथ नजर नहीं आए। सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में गोविंदा ने जबरदस्त वापसी तो की थी, उसके बाद वो कुछ खास नहीं कर पाए। बता दें कि निर्देशक प्रहलाद नीलानी गोविंदा के साथ एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम रंगीला राजा है। इस फिल्म में गोविंदा धमाकेदार वापसी करेंगे। बता दें कि इस फिल्म में गोविंदा के कैरेक्टर के बारे में बोलते हुए पहलाज ने कहा कि आपने गोविंदा को कई फिल्मों में काम करते देखा होगा और कॉमेडी करते हुए देखा होगा।
लेकिन जो अब गोविंदा नजर आने वाले हैं वैसा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। बता दें कि पहलाज ने खुलासा करते हुए लिखा कि इस फिल्म में आपको गोविंदा वो करते दिखेंगे जो उन्होंने अब तक नहीं किया। गोविंदा इस फिल्म में एक नहीं बल्कि कई सारे किरदारों में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर गोविंदा का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। वेल बता दें कि अभी फिल्म के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बॉलीवुड में इन दिनों स्टार्स कास्टिंग काउच को लेकर खुलकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। बीते दिनों कई सारी एक्ट्रेसेस ने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय सामने रखी थी और अब एक और एक्ट्रेस इस गंभीर मुद्दे पर सामने आई है और खुलकर अपनी बात सबके सामने रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस माही गिल की। बता दें, फिल्मों में माही गिल ने ज्यादातर बोल्ड किरदार निभाए हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अपने इन किरदारों से एकदम अलग हैं। हाल ही में बोल्ड एक्ट्रेस ने 11 साल बाद अपनी जिंदगी से जुड़े एक ऐसे राज से पर्दा उठाया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बता दें, माही ने कास्टिंग काउच के बारे में बात की और जो उन्होंने बताया वो बेशक दिल दहलाने वाला रिपीट और जो उन्होंने बताया वो बेशक दिल दहला देने वाला था। माही गिल ने बताया कि मैं भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हूँ। मुझे उस डायरेक्टर का नाम याद नहीं है। करियर के शुरुआती दौर में डायरेक्टर से मिलने सूट पहनकर गई थी। तब डायरेक्टर ने कहा था, अगर इस तरह से सूट पहनकर आओगी तो कोई भी फिल्म में काम नहीं करने देगा। वहीं एक डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम नाइटी में कैसी लगोगी। इतना ही नहीं, माही ने आगे कहा, उस वक्त मेरे करियर की शुरुआत थी। डायरेक्टर्स की ये बातें सुनकर काफी परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि मैं ये बात सोचने को मजबूर हो गई थी कि क्या सही में सूट पहनने से रोल नहीं मिलते और कोई काम नहीं देगा। ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कपूर खानदान ने कर दिया है सोनम कपूर की शादी का ऐलान, और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया बी टाउन की गलियारों में और भी क्या चटपटी गॉसिप फैली हुई है, और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह करण सिंह ग्रोवर और उनकी वाइफ बिपाशा बसु गोवा में हनीमून मना रहे हैं, और हमने आपको दिखाया बी टाउन की गलियारों की वो तमाम चटपटी गॉसिप जो हम आपके लिए लाए हैं। कल अगर सोनम की शादी की बात करें तो सोनम की शादी को लेकर वैसे भी शोबिज में हाइप बना हुआ है कि शादी को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि आखिरकार सोनम कब शादी करेंगी नहीं करेंगी। फाइनली डेट जब सामने आ गई है तो लोग अब सोनम की शादी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सोनम की शादी में और क्या क्या धमाके होने वाले हैं, कि कौन कौन से सेलिब्रिटी वहां शामिल होंगे और शादी में क्या कुछ नया होगा। वेल, वो सारी ही खबरें हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर आऊंगी बॉलीवुड बज लेकर, लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं या बी टाउन से जुड़ी कोई खबर जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स, कमेंट कर बताएं उस सेलिब्रिटी के बारे में, हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं nextnightnews@gmail.com पर मेल करें अपना नेम, नंबर और मैसेज, और वो मैसेज हम अपने इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।